दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि Realme 12 Pro Plus तो बाय कर लिए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है, और ड्रेन हो रहा है तो कैसे ऑप्टिमाइज करें आज हम अपने वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। शुरू में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया कौन ऐप आप यूज नहीं करते। अगर आप उस ऐप को यूज नहीं करते हैं तो उसको डिसेबल कर दे या अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए। जैसे ये ऐप यूज नहीं करता हूं मैं, तो देखिए इसका सबसे पहले फोर्स स्टॉप आपको करना है, उसके बाद डिसेबल कर देना है। डिसेबल करना है, अपना डिसेबल आप कर दिए, ठीक है ना। अब इसको इनेबल करेंगे तो ही होगा। देखिए पुश ऐप एक्टिव ऑफ द अनयूज्ड, ठीक है ना। अनयूज्ड ऐप में आप पुश कर दिए इसको, मतलब ऑन कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से खेला ख़त्म। अब ये जो ऐप है आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ऐप था वो हट गया, ख़त्म हो गया, हट गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो ऐप आप यूज़ नहीं करना चाहते उस ऐप को भैया उसी तरह से आप कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। पहला टिप्स। दूसरा टिप्स है आपको क्या करना है, आपको जाना है बैटरी में। देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर जाना है आपको। सेटिंग में गए, बैटरी में गए। बैटरी में यहाँ पर जाने के बाद स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, इसको ऑन कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपको कैसे काम करता है ये आपको बता देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हमेशा आपका बैटरी जो है, अगर आप 100% चार्ज कर रहे हैं या फिर 90% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके चार्जिंग स्लो हो जाता है। अब देखिए मेरी जो आदत है और ये जो बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन है इसी के हिसाब से होता है। मैं अपने फ़ोन को कैसे चार्ज करता हूँ कि बैटरी जब 20% से नीचे होता है तो चार्ज करना शुरू करता हूँ, और 90 से 95 के बीच में हमेशा चार्जिंग को रखता हूँ। 95 के ऊपर जाने नहीं देता हूँ, 90-95 के बीच में रखता हूँ। इस वजह से मेरा फ़ोन का जो है बैटरी कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। जब मैं मोबाइल सेल भी करता हूँ 2-3 साल बाद, तब भी मेरा बैटरी ख़राब नहीं होता। तो इससे बैटरी ख़राब भी नहीं होता है, बैटरी का जो लाइफ है वो हमेशा एक जैसा रहता है, स्टेबल रहता है, और बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन जो है ज़बरदस्त होता है। तो कभी भी आप चार्ज करिए, 20% से नीचे होगा तो चार्ज में लगाइए, और 90-95 तक ही रखिए, 100% सटने मत दीजिए। तो जब आप ये कंटिन्यू करेंगे तो स्मार्ट चार्जिंग क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा, और 90% से जैसे ऊपर चार्जिंग पहुंचेगा उसको स्लो कर देगा। मतलब अगर रात में आप लगाए तो सुबह तक 90-95 के बीच में रहेगा, 100% नहीं होने देगा। तो इसीलिए इसको ऑन कर दीजिए, पहला है। दूसरा जो है, यहाँ पर आइए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका बहुत सारा ऐप है जो देखिए ऑटो ऑप्टिमाइज पे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप है जो ऑटो ऑप्टिमाइज पे नहीं है, जैसे ये वाला ईजो। तो देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन रहेगा, इसको क्लिक करेंगे, कोई भी ऐप को क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आएगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑटो ऑप्टिमाइज, डोंट ऑप्टिमाइज और ऑलवेज आस्क, हमेशा पूछेगा। तो देखिए ऑटो ऑप्टिमाइज पे जितने भी ऐप है आपको सबको भैया टाइम निकालकर ऑटो ऑप्टिमाइज करना है, और ज़्यादा ऐप नहीं है, ठीक है। नीचे से शुरुआत कर दिए, आप इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप ये वाला कर लीजिए, पहला है। दूसरा है ऑप्टिमाइज स्टैंड बाई, ये वाला जो है इसमें क्या करना है आपको, देखिए हमेशा बैलेंस में ही रखना है, अल्ट्रा मोड में आपको नहीं जाना है क्योंकि गेमिंग आप नहीं करते, तो इसमें नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऐप क्विक फ्रीज, ये वाला आप समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ ऐप है, देखिए यहाँ पर उसी ऐप को आप ऐप फ्रीज में लगाइए जो ऐप आप यूज़ नहीं करते या फिर जिसका नोटिफिकेशन आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला CPU थ्रॉटल, इसको हम ऐप फ्रीज पे लगा दिए। ईजो का क्या है, हम मुझे ये CP प्लस का कैमरा है, इसका नोटिफिकेशन आता है तो हम इसको नहीं करेंगे। यूट्यूब म्यूज़िक को फ्रीज कर दीजिए। यहाँ पर GSM अरीना, इसका हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम ऐप फ्रीज कर देंगे, ठीक है। YT क्रिएटर, इसको भी कर दीजिए, IMO को रहने दीजिए। यहाँ पर फाइंड X6 Pro, मेरा वॉलपेपर जो, उसको नहीं करना, ये भी नहीं करना है। वॉलपेपर इंस्टॉल, इसको ऐप फ्रीज कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपको जिसको यूज़ नहीं कर रहे उसको ऐप फ्रीज कर दीजिए। जैसे गिंग बेंचमार्क, इसको ऐप फ्रीज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर YT स्टूडियो, इसको रहने देते हैं। और भी यहाँ पर डॉक रीडर, मतलब जो PDF फाइल वगैरह पढ़ते हैं उसका ज़रूरत नहीं रहता, उसको कर दीजिए। हीरो ऐप को हमने कर दिया। तो इस तरह से भैया आप ऐप फ्रीज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब ऐप बैटरी मैनेजमेंट, या ये वाला आइए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो देखिए Allow foreground activity, allow background activity। तो देखिए foreground मतलब जब आप ऐप को ऑन करेंगे तो ये एक्टिवेट होगा। अगर बैकग्राउंड कर लेंगे तो बैकग्राउंड में हमेशा रहेगा, या फिर फोर्स स्टॉप कर दीजिए। तो सबसे पहले जो ऐप को आप यूज़ नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर ये N22 बेंचमार्क स्कोर, इसको हम यूज़ नहीं करते, इसको हम फोर्स स्टॉप कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है।
फोर्स स्टॉप कर देंगे, इस तरह से किए 3D को भी हम फोर्स स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी ऐप है, जैसे ऐप क्लो फोन क्लोनर, इसको भी हमको नहीं चाहिए, फोर्स स्टॉप कर देंगे। तो CPU थ्रॉटलिंग फोर्स स्टॉप कर देंगे। तो इसी तरीके से जो ऐप आप नहीं चाहते उसको फोर्स स्टॉप करिए, जो यूज़ करते हैं उसको अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटी में रखिए, आपका ये मस्त चलेगा। तो ये 4 सेटिंग आप सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद आपको जो सेटिंग करना है वो है डार्क मोड। डार्क मोड आपको फ़ोन में रखना है। आप बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है नहीं लगता है, लेकिन डार्क मोड आपको कब करना आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए डार्क मोड को मैं शेड्यूल किया हुआ हूँ। शेड्यूल क्या हूँ देखिए, यहाँ पर जब डार्क मोड में आएंगे और आपको यूज़ नहीं करना है तो देखिए यहाँ पर शेड्यूल कर दीजिए इसको रात के, देखिए यहाँ पर आप इसको शेड्यूल करिए तकरीबन रात के, समझ लीजिए यहाँ पर रखिए रात के 1 बजे से लेके, रात के 1 बजे से लेके शेड्यूल कर दीजिए इस तरीके से डार्क मोड को, ठीक है रात के 1 बजे से लेके, ठीक है। उसके बाद डार्क मोड कब तक रहेगा, एंड कब तक होगा, तो एंड आपको करना है सुबह का 7 बजे या 8 बजे, आपको जब कंफर्टेबल लगे तब। मैं 7 बजे करता हूँ, ठीक है 7 बजे मैं रख देता हूँ। तो इस तरह से आप डार्क मोड को भी यूज़ करिए, क्योंकि आपके फ़ोन में फंक्शन दिया गया और इससे बैटरी बहुत ज़्यादा बचता है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं या फिर सनराइज सनसेट कर सकते हैं। तो ये डार्क मोड हो गया, तो इसको शेड्यूल कर लीजिए, ठीक है ना। डार्क मोड में एक ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एडेप्टिव स्लीप, ये वाला जो है एडेप्टिव स्लीप, इसको ऑन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि एडेप्टिव स्लीप क्या है, कि अगर आप इसको फ़ोन को थोड़ी देर छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद आप कुछ भी ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पर परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑन कर दीजिए, ये आपके एक्टिविटी के हिसाब से स्लीप मोड में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश रेट को ऑटो में मत रखिए, हमेशा हाई में रखिए, ठीक है। यहाँ पर ये सब आप कर लिए, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम जो है यहाँ पर रखिए, देखिए 1 मिनट रखिए या फिर 30 सेकंड रखिए, 2 मिनट मत रखिए कि फ़ोन को छोड़ दिया और 2 मिनट तक चल रहा है, तो ऐसा मत करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब एक और टिप्स है, अपना नेटवर्क, नेटवर्क को हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सेटिंग। आप यहाँ पर नेटवर्क में आइए, मोर में आइए और स्मार्ट 5G को ऑन करके रखिए। इससे क्या होगा आपको बता देते हैं, अगर नेटवर्क आपका 5G का थोड़ा भी वीक होगा तो ये 4G पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा बैटरी बचेगा। अगर इसको 5G में रखेंगे, और 5G का नेटवर्क उतना स्टेबल अभी इंडिया में नहीं हुआ है कि आपको भैया एकदम 100% मिलेगा, आप क्या कर रहे हुए हैं इसको ऑफ कर दिए हैं, जिसका वजह से आपका बैटरी ड्रेन होता है, ठीक है। तो आप इसको ऑन करके रखिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेड टाइम, देखिए बेड टाइम को 2 तरीके से सर्च किया जाता है, या तो आप यहाँ पर जाकर बेड टाइम लिखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टाइम ये वाला आ गया, बेड टाइम को क्या करना है, देखिए मैं बेड टाइम जो है इसको शेड्यूल करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पर बेड टाइम में आएंगे, टर्न ऑन करना है अगर अभी तो कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से शेड्यूल कर दीजिए। जैसे मैं शेड्यूल किया हूँ रात के 1:20 से लेकर सुबह के 7 बजे तक, और कब कब चाहिए, मेरे को हफ्ते में सब दिन चाहिए, लेकिन संडे को मैं रात भर जाता हूँ तो उस दिन नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर बेड टाइम को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप करेंगे आपका फ़ोन जो है ग्रे स्केल, मतलब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, पूरा का पूरा फ़ोन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो इससे 2 चीज़ होगा, रात में अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने के एडिक्ट है तो आपको ये इंडिकेट कर देगा कि भैया सोने का टाइम हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज है ग्रे स्केल मोड में चल जाएगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट जब हो जाता है आपका डिस्प्ले, तो बैटरी जो है समझ लीजिए कि 50% घट जाता है, मतलब 50% आपका जो बैटरी खा रहा है वो घट जाता है, तो आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा। मॉर्निंग में जब भी आप सो के उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया बैटरी बहुत ज़्यादा बच रहा है। जहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको बैटरी यूजेस में अगर जाएंगे, तो देखिए नाइट का मेरा देखिए फ्लो चार्ट कैसा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लगता है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं और रख सकते हैं। ये तो मुझे यही बताना था, यही सब सेटिंग है जो आप कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हमने Realme 10 Pro Plus के ऊपर वीडियो दिया था, आज हम 12 Pro Plus के ऊपर वीडियो दिए हैं। और जितने भी Realme के फ़ोन है उसमें यही सेटिंग है, कोई भी फ़ोन हो आप उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।